नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा रोहतक जिले के सापला क्षेत्र में शहरी और सापला के आसपास में सापला क्षेत्र के अधीन आने वाले गांव के कलेक्टर रेट को बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसमें कृषि भूमि और शहरी दायरे की कॉलोनियां और ग्रामीण क्षेत्र में बने घरों का कमर्शियल और सामान्य रेजिडेंशियल क्षेत्रों का भी कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहां पर 10% से लेकर के 20% तक की बढ़ोतरी सापला क्षेत्र के कलेक्टर रेट में देखी गई है। आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से सापला और सापला क्षेत्र के अधीन आने वाले गांव के कलेक्टर रेट को जानने का और समझने का कार्य करते हैं। सापला क्षेत्र के हम कलेक्टर रेट आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, लेकिन एक पॉइंट को और ध्यान देने का कार्य आप लोग जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम शहरी क्षेत्र खड़खर खोदा और खेड़ी साध के रेट नहीं बताएंगे। एक अलग सेपरेट वीडियो हम बना करके खेड़ी साध और सापला शहरी क्षेत्र में बनी कॉलोनियों के कलेक्टर रेट कितने बड़े हैं उसे बताने का कार्य करेंगे। जल्द ही इस वीडियो के जस्ट बाद एक पार्ट 2 आएगा, जिसमें सापला के शहरी क्षेत्रों के बारे में हम बताने का कार्य करने वाले हैं। ये आपके समक्ष सापला क्षेत्र के दस्तावेज हैं, जो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिला रोहतक और तहसील सापला, पहले स्थान पर गांव अटाल आता है। गांव अटाल के कृषि चाही जमीन, जो कि नॉर्मल एरिया की जमीन है, यहाँ पर आप एन देख सकते हैं। यहाँ पर 2023 का सर्कल रेट था 19 लाख प्रति एकड़, जिसे बढ़ा करके 20,90,000 प्रति एकड़ 2024 में किया गया है 10% की बढ़ोतरी के साथ। कृषि नहरी जमीन का भी सेम रेट था 19 लाख प्रति एकड़ 2023 में, जिसे अटाल गांव में बढ़ा करके 20,90,000 किया गया है 10% बढ़ोतरी। कृषि बराणी जमीन का रेट यहां पर 18 लाख प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 19,80,000 किया गया 10% की बढ़ोतरी। कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 19 लाख प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 20,90,000 10% की बढ़ोतरी। निवासी क्षेत्र में 2,000 रुपये वर्ग गज का रेट था, जिसे बढ़ा करके 22,000 रुपये वर्ग गज किया गया है 2,200 रुपये वर्ग गज किया गया 2,000 से लेकर के 10% की बढ़ोतरी के साथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहुंच मार्ग पर लगती जमीन कृषि और नहरी जमीन का रेट 20 लाख रुपये प्रति एकड़ था दोनों में। यहाँ पर नॉर्मल रेट भी आ गया और प्राइम रेट भी आ गया, जिसे बढ़ा करके 22 लाख रुपये प्रति एकड़ किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। राष्ट्रीय राज्य मार्ग कृषि जमीन पर लगता नॉर्मल और प्राइम का रेट 25 लाख रुपये प्रति एकड़ था 2023 में, जिसे 2024 में बढ़ा करके 27,50,000 रुपये किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। अब आता है इस्माइला गांव, जिसे समाल गांव के नाम से जानते हैं। इस्माइला से बेरी रोड की बात करते हैं, पहले स्थान पर कृषि जमीन का नॉर्मल का रेट, कृषि नहरी जमीन प्राइम का रेट, कृषि बराणी जमीन का रेट, तीनों का रेट 2023 में 60 लाख प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 66 लाख रुपये कर दिया गया प्रति एकड़ का रेट 10% बढ़ोतरी के साथ। इस्माइला टू द तोड़ लिंक रोड पर नॉर्मल प्राइम और नॉर्मल नहरी और बराणी जमीन का रेट 30 लाख रुपये प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 33 लाख रुपये प्रति एकड़ किया गया 10% की बढ़ोतरी तीनों रेटों में देखी गई। अब आता इस्माइला टू कुलताना लिंक रोड, जिस पर नहरी और नहरी प्राइम और नॉर्मल का 40 लाख रुपये प्रति एकड़ का रेट था, जिसे बढ़ा करके 2024 में 46 लाख रुपये प्रति एकड़ किया गया 15% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। अब आते हैं आगे, इस्माइला का ही दूसरा पन्ना यानी कि इस्माइला समाल 11 पिछुआ, मतलब इसी का पार्ट है, जिसमें इस्माइला 11 पिछुआ का रेट, नहरी चाही जमीन का रेट बात करें, नहरी कृषि जमीन कर बात करें, बराणी जमीन का रेट बात करें, तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। नहरी चाही जमीन का रेट 22 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 24,20,000 किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। वहीं कृषि नहरी जमीन का रेट 22 लाख रुपए एकड़ से बढ़ा करके 25,30,000 रुपये किया गया, यानी कि यहाँ पर 15% बढ़ोतरी की गई। कृषि बराणी जमीन का रेट 22 लाख रुपए प्रति एकड़ था इस महिला में, जिसे बढ़ा करके 24,20,000 रुपये किया गया एक प्रति एकड़। कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 22 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 24,20,000 प्रति एकड़ किया गया। निवासी क्षेत्र में 4,000 वर्ग गज का रेट था, जिसे बढ़ा करके 4,400 किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती कृषि नहरी जमीन का रेट यहाँ पर 1 करोड़ रुपये था,
एक करोड़ से बढ़ा करके 1,10,00,000 रुपये यहाँ किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। आप इसे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 और करोड़। अब आता है इस्माइला नौ बिस्वा। इस्माइला नौ बिस्वा कृषि चाही जमीन का रेट 20,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 22,00,000 किया गया। सेम कृषि नहरी जमीन का रेट इतना था 20,00,000 रुपये। कृषि बरानी का भी 20,00,000 था। कृषि गैर मुमकिन का रेट भी 20,00,000 था। जिन रेटों को बढ़ा करके 22,00,000 रुपये किया गया यहाँ तक, जिनमें 10% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। अब आता निवासी क्षेत्र 3,000 वर्ग गज का रेट था 2023 में, जिसे बढ़ा करके 3,300 वर्ग गज किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। पहुँच मार्ग पर लगती जमीन, कृषि नहरी जमीन का रेट 30,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, जिसे 33,00,000 किया गया। कृषि नहरी प्राइम का भी, कृषि नहरी नॉर्मल का रेट, कृषि नहरी प्राइम का रेट 30,00,000 से बढ़ा करके 33,00,000 किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग कृषि और नहरी जमीन का रेट 80,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 88,00,000 रुपये किया गया प्रति एकड़ 10% की बढ़ोतरी के साथ। अब गांव आता है कारोर। गांव कारोर कृषि चाही जमीन का रेट नॉर्मल 20,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 22,00,000 रुपये किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। अब आते हैं कारोर के अगले पेज पर। गांव कारोर कृषि बरानी जमीन का रेट नॉर्मल 20,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, गैर मुमकिन का भी 20,00,000 था, जिसे कारोर गांव में पढ़ा करके 22,00,000 रुपये किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। निवासी क्षेत्र 2,200 रुपये वर्ग गज से बढ़ा करके 2,420 किया गया। पहुँच मार्ग से लगती कृषि जमीन का रेट 22,00,000 से बढ़ा करके 24,20,000 रुपये किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती जमीन नॉर्मल और प्राइम जमीन का रेट 25,00,000 रुपये से बढ़ा करके यहाँ पर 30,00,000 रुपये किया गया। अब आता है गांव किस रेंटी। यहाँ पर किस रेंटी की अगर बात करें, पहले कृषि चाही जमीन का और कृषि नहरी जमीन का नॉर्मल रेट था 19,00,000 रुपये, जिसे बढ़ा करके 20,90,000 किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। इसके आगे कृषि बरानी जमीन का रेट 18,00,000 प्रति एकड़ से बढ़ा करके 19,80,000 रुपये किया गया प्रति एकड़ 10% बढ़ोतरी के साथ। किस रेंटी में कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 19,00,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ा करके 20,90,000 रुपये प्रति एकड़ किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। निवासी क्षेत्र में 2,000 रुपये वर्ग गज का रेट बढ़ा करके 2,200 किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। किस रेंटी गांव में पहुंच मार्ग पर लगती जमीन का रेट, जिसमें नहरी चाही जमीन है नॉर्मल प्राइम तरीके की, इनका 20,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके पहले कृषि चाही में 23,00,000 रुपये किया गया 15% बढ़ोतरी, बाकी में 20,00,000 से बढ़ा करके 22,00,000 किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगती जमीन नॉर्मल और प्राइम जमीन का रेट 25,00,000 रुपये था प्रति एकड़, जिसे बढ़ा करके 30,00,000 रुपये किया गया 20-20% की बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिलती है। अब आगे गांव आता है कुलताना। कुलताना गांव में कृषि चाही जमीन का रेट 19,00,000 रुपये, कृषि नहरी जमीन का रेट 19,00,000, कृषि बरानी जमीन का रेट 19,00,000 प्रति एकड़ था, जिन्हें बढ़ा करके 20,90,000 रुपये प्रति एकड़ किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। अब अगले पेज पर कुलताना। कुलताना के अगले पेज पर देखते हैं कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 19,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 20,90,000 रुपये प्रति एकड़ किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगती नहरी जमीन प्राइम नॉर्मल का रेट 45,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 49,50,000 किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। सड़क कुलताना मार्ग इस्माइला बी पर 25,00,000 रुपये का रेट था, जिसे बढ़ा करके 27,50,000 रुपये किया गया। सड़क कुलताना से छोछी मार्ग पर 45,00,000 रुपये का रेट था, जिसे बढ़ा करके 49,50,000 किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। सड़क कुलताना से बापड़ोदा नहरी जमीन का रेट 45,00,000 रुपये था, जिसे बढ़ा करके 49,50,000 किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। सापला से बेरी रोड 45,00,000 रुपये प्रति एकड़ का रेट था, जिसे बढ़ा करके 49,50,000 किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। अब गांव आता है कलावड़, जिसे खरावड़ के नाम से जानते हैं। कृषि नहरी चाही जमीन का रेट 20,00,000 रुपये था, कृषि नहरी जमीन का रेट 20,00,000 था, कृषि बरानी जमीन का रेट 20,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, और साथ साथ कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट भी 20,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, जिसमें कृषि चाही जमीन का रेट 20,00,000 से बढ़ा करके 22,00,000 किया गया, कृषि नहरी जमीन का रेट 24,00,000 किया गया 20,00,000 से बढ़ा करके, कृषि बरानी जमीन का रेट 20,00,000 से बढ़ा करके 22,00,000 किया गया, और कृषि
गैर मुमकिन का रेट 20 लाख से बढ़ा करके 24 लाख किया गया, जिनमें पहले रेट में 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 10% और चौथे में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली। निवासी रेट 5000 पर गज था, जिसे बढ़ा करके 5500 किया गया। व्यावसायिक रेट 6500 वर्ग गज था, जिसे बढ़ा करके 7150 वर्ग गज किया गया। व्यावसायिक इंडस्ट्रियल का रेट 6500 वर्ग गज से बढ़ा करके 7150 किया गया। पहुंच मार्ग पर लगती कृषि नहरी जमीन का रेट 40 लाख एकड़ से बढ़ा करके 48 लाख रुपये एकड़ किया गया, 20% बढ़ोतरी के साथ। अब आगे चलते हैं। गांव खरावड़, कृषि नहरी जमीन का रेट 40 लाख रुपए से बढ़ा करके 48 लाख किया गया। पहुंच मार्ग की जमीन का 20% बढ़ोतरी यहां देखने को मिली। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती जमीन की बात करें तो यहां पर 90 लाख रुपए प्रति एकड़ का रेट था नॉर्मल, जिसे बढ़ा करके 99 लाख किया गया प्रति एकड़। कलावड़ गाँव के अंदर प्राइम का भी 90 लाख एकड़ से बढ़ा करके 99 लाख एकड़ किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। इससे हम आगे चलते हैं। अब आते हैं सापला के अंदर गांधरा गांव के। गांधरा गांव में कृषि चाही जमीन का रेट 25 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 27,50,000 एकड़ किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। कृषि चाही नहरी जमीन का रेट 25 लाख एकड़ से बढ़ा करके 27,50,000 एकड़ किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। कृषि बराणी जमीन गांव गांधरा में 25 लाख रुपए एकड़ से बढ़ा करके 27,50,000 रुपए प्रति एकड़ यहां पर किया गया है। अब आगे चलते हैं, गांव गांधरा में ही देखते हैं। गांधरा गांव में गैर मुमकिन जमीन का रेट 25 लाख एकड़ से बढ़ा करके 30 लाख एकड़ किया गया, 20% बढ़ोतरी के साथ। गांधरा में निवासीय क्षेत्र में 3000 वर्ग गज का 2023 के रेट को बढ़ा करके 3300 वर्ग गज किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। पहुंच मार्ग पर लगती नहरी जमीन की बात करें तो कृषि नहरी जमीन 42 लाख रुपए से बढ़ा करके 46,20,000 किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग कृषि नहरी जमीन का रेट 10 यहां पर बात करें 1 करोड़ से बढ़ा करके 1,10,00,000 किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ गांधरा गांव के रकबे में। अब गिज्जी गांव, कृषि नहरी जमीन का रेट 19 लाख रुपए से बढ़ा करके 20,90,000 किया गया। कृषि नहरी जमीन का रेट 19 लाख से बढ़ा करके 20,90,000 किया गया। कृषि बराणी जमीन का रेट 18 लाख एकड़ से बढ़ा करके गिज्जी गांव में 19,80,000 किया गया। कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 19 लाख से बढ़ा करके 20,90,000 एकड़ किया गया। निवासी रेट 2000 वर्ग गज से बढ़ा करके 22 वर्ग गज किया गया। पहुंच मार्ग पर लगती नहरी जमीन का रेट 20 लाख रुपए एकड़ से बढ़ा करके 22 लाख किया गया। सेम ऐसे ही कृषि नहरी जमीन के अंदर नॉर्मल प्राइम लोकेशन पर। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कृषि नहरी जमीन का रेट 25 लाख रुपए होता था, जिसे बढ़ा करके 27,50,000 रुपए किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। अगला गांव आता है चुलियाना। चुलियाना गांव में कृषि चाही जमीन का रेट नहरी और बराणी जमीन का रेट 20 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके साथ में कृषि गैर मुमकिन को भी जोड़ लेते हैं 20 लाख ही था, चारों रेटों को बढ़ा करके 22 लाख किया गया प्रति एकड़, 10% बढ़ोतरी के साथ। चुलियाना गांव में कृषि निवासी क्षेत्र में 2500 वर्ग गज के रेट को बढ़ा करके 2750 वर्ग गज किया गया, 10% के यहाँ पर बढ़ोतरी के साथ। इससे अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज की बात करें, चुलियाना से इस्माइला रोड पर नहरी जमीन का रेट 35 लाख रुपए एकड़ था, जिसे 38,50,000 एकड़ किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। चुलियाना से गांधरा लिंक रोड पर 45 लाख एकड़ से रेट बढ़ा करके 49,50,000 किया गया। चुलियाना से दिमाणा की तरफ 35 लाख रुपए एकड़ का रेट था, जिसे बढ़ा करके 38,50,000 किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। पहुंच मार्ग पर लगती कृषि जमीन का रेट 35 लाख से बढ़ा करके 38,50,000 किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर लगती जमीन का रेट 45 लाख एकड़ से बढ़ा करके 49,50,000 एकड़ किया गया, 10% की बढ़ोतरी के साथ। गांव दतोड़ कृषि चाही जमीन की बात करें, कृषि नहरी, कृषि बराने और कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 20 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 22 लाख रुपए प्रति एकड़ किया गया कलेक्टर रेट के अनुसार, जिसमें 10-10% की मिनिमम बढ़ोतरी देखी गई है। निवासी क्षेत्र में 2200 वर्ग गज के रेट को बढ़ा करके 2420 रुपए वर्ग गज किया गया, 10% बढ़ोतरी के साथ। पहुंच मार्ग पर लगती जमीन की बात करें तो यहाँ पर 25 लाख रुपए का रेट था नहरी प्राइम नहरी कृषि जमीन का रेट, जिसे बढ़ा करके और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती जमीन का रेट 25 लाख रुपए एकड़ था, जिसे बढ़ा करके गांव दतोड़ में 27,50,000 रुपए किया गया, 10-10% की बढ़ोतरी के साथ। अब गांव नयाबास, गांव नयाबास में कृषि चाही जमीन का नॉर्मल रेट 19 लाख रुपए एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 20,90,000 रुपए
प्रति एकड़ किया गया। नए बांस के अंदर ही नहरी जमीन का रेट 19 लाख रुपए एकड़ था। कृषि बरानी जमीन का रेट भी 19 लाख रुपए एकड़, गैर मुमकिन जमीन का रेट भी 19 लाख रुपए एकड़ था नया बांस में, जिसे बढ़ा करके बात करें 20,90,000 किया गया 10% बढ़ोतरी। जहाँ पर घरों का निवासी रेट 3,000 वर्ग गज से बढ़ा करके 3,300 किया गया। पहुंच मार्ग पर लगती नहरी जमीन का रेट 22 लाख रुपए था यहाँ पर, जिसे बढ़ा करके 24,20,000 किया गया नए बांस के रकबे में। नया बांस गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती नहरी जमीन का रेट 70 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 77 लाख रुपए एकड़ किया गया 10-10% की बढ़ोतरी के साथ। गांव नोणंद कृषि चाहे जमीन के रेट की बात करें नॉर्मल की, कृषि बराणी जमीन, कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 20 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 22 लाख रुपए प्रति एकड़ किया गया 10-10% की बढ़ोतरी के साथ। निवासी रेट यहाँ पर 2500 वर्ग गज था, जिसे बढ़ा करके 2750 वर्ग गज किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। पहुंच मार्ग पर नोणंद गांव की लगती जमीन का रेट 25 लाख रुपए प्रति एकड़ था नॉर्मल प्राइम का, जिसे बढ़ा करके 27,50,000 रुपये किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगती नहरी जमीन का रेट 30 लाख रुपये नॉर्मल और प्राइम का था, जिसे बढ़ा करके 33 लाख रुपये किया गया है। इससे अज्ञात था गाँव पाकसमा। पाकसमा गाँव में कृषि नहरी जमीन का रेट 20 लाख रुपये, कृषि नहरी प्राइम का भी रेट 20 लाख रुपए था, जिसे बढ़ा करके 22 लाख रुपए किया गया है। पाकसमा गांव में कृषि चाही जमीन का रेट 19 लाख रुपए से बढ़ा करके 20,90,000 रुपए यहां पर किया गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं पाकसमा गांव में। पाकसमा गांव में कृषि नहरी जमीन का नॉर्मल रेट 19 लाख से बढ़ा करके 20,90,000, कृषि बराणी जमीन का रेट 18 लाख एकड़ से बढ़ा करके 19,80,000 एकड़ किया गया। कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 19 लाख रुपए एकड़ से बढ़ा करके 20,90,000 रुपए एकड़ किया गया। वहीं निवासी रेट 2000 वर्ग गज से बढ़ा करके 2200 किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती जमीन की बात करें तो यहाँ पर नहरी जमीन का रेट 25 लाख रुपए एकड़ से बढ़ा करके 27,50,000 रुपए एकड़ किया गया। वहीं दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कृषि जमीन का रेट पाकसमा में 25 लाख से बढ़ा करके 27,50,000 किया गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बलियाणा गांव। निवासी रेट 3,000 वर्ग गज था, जिसे बढ़ा करके 3,300 किया गया। व्यावसायिक रेट 10,000 वर्ग गज से बढ़ा करके 11,000 किया गया। नेशनल स्टेट रोड कृषि नहरी जमीन का रेट यहाँ पर बात करें तो आप देखिए ध्यान से, इकाई ढाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 70 लाख से बढ़ा करके 77 लाख किया गया। इसी के साथ बलियाणा गांव में कृषि नहरी जमीन का रेट 70 लाख से बढ़ा करके फिर 77 लाख किया गया। पहुंच मार्ग पर लगती भूमि कृषि नहरी भूमि के रेट की बात करें 30 लाख प्रति एकड़ के रेट को बढ़ा करके 33 लाख रुपये किया गया। कृषि चाही जमीन, कृषि नहरी जमीन दोनों का रेट 27 लाख रुपये प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 29,70,000 रुपये किया गया। कृषि बराणी जमीन का रेट 25 लाख रुपए बलियाणा के क्षेत्र में नॉर्मल प्राइस की बात करें तो 27,50,000 किया गया। कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट बराणा बलियाणा गांव के क्षेत्र में नॉर्मल प्राइस 27 लाख रुपए से बढ़ा करके 29,70,000 रुपए किया गया। बलियाणा गांव में ही निवासीय रेट 3,000 से बढ़ा करके 3,300 और व्यावसायिक रेट 10,000 से बढ़ा करके 11,000 रुपए प्रति गज किया गया। 2023-24 में बदलाव देखने को मिले। भैसरू कला, पहुंच मार्ग पर लगती कृषि नहरी जमीन का रेट 22 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 24,20,000 रुपए प्रति एकड़ यहां पर किया गया है। इससे आगे की बात करें भैसरू कला गांव में ही, तो भैसरू कला गांव के में कृषि नहरी जमीन का रेट, कृषि बराणी, कृषि बंजर, कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 20 लाख रुपये प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 22 लाख रुपये किया गया 2024 में। वहीं निवासी रेट 3,000 वर्ग गज से बढ़ा करके 3,300 वर्ग गज किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगती नहरी जमीन का रेट 60 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 66 लाख रुपए प्रति एकड़ किया गया। भैसरू खुर्द, कृषि चाही जमीन का रेट 20 लाख रुपए, नहरी पराणी गैर मुमकिन जमीन का रेट 20 लाख रुपए से बढ़ा करके 22 लाख रुपए के साथ 10% की बढ़ोतरी यहां देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग कृषि नहरी जमीन की बात करें तो पहले 3,000 वर्ग गज का घरों का रेट 3,300 किया गया। कृषि नहरी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक रोड के साथ वाली जमीन की बात करें तो यहाँ पर 60 लाख रुपए रेट था, जिसे बढ़ा करके 66 लाख रुपए कर दिया गया। लिंक रोड पर लगती जमीन का रेट 22 लाख से बढ़ा करके 24,20,000 रुपए किया गया। अब आता है गांव मोरखेड़ी। पहुंच मार्ग पर लगती जमीन का रेट 25 लाख रुपए था मोरखेड़ी का, जिसे बढ़ा करके कलेक्टर रेट को 27,50,000 रुपए यहाँ पर किया गया है।
इससे आगे बढ़ते हैं, आप आगे की तरफ जब देखेंगे तो मोरखेड़ी गांव, मोरखेड़ी गांव में कृषि चाही जमीन का रेट 19 लाख रुपए एकड़ से बढ़ा करके 20,90,000 किया गया। कृषि नहरी, कृषि बराणी, कृषि गैर मुमकिन की जमीन का रेट भी 19 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 20,90,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया। वहीं निवासी रेट 2000 वर्ग गज से बढ़ा करके 2200 वर्ग गज किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती नहरी जमीन का रेट 30 लाख रुपए एकड़ से बढ़ा करके 33 लाख रुपए प्रति एकड़ यहां पर किया गया। अब आता है गांव शमशाना। शमशाना गांव में पहुंच मार्ग पर लगती भूमि कृषि नहरी भूमि का रेट 25 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 27,50,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती नहरी जमीन का रेट 30 लाख रुपए प्रति एकड़ से बढ़ा करके 33 लाख रुपए प्रति एकड़ किया गया। शमशाना गांव में कृषि चाही नहरी जमीन का रेट 19 लाख रुपए था, जिसे नॉर्मल प्राइस 20,90,000 रुपए किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। शमशाना गांव में बराणी जमीन का रेट 18 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 19,80,000 रुपए एकड़ किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। वहीं शमशाना गांव में कृषि गैर मुमकिन जमीन का रेट 19 लाख एकड़ से बढ़ा करके 20,90,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। आगे आता है सापला। सापला को हम नेक्स्ट वीडियो में काउंट करने का कार्य करने वाले हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आगे हमें सापला के रेट को देखते हैं, जो खेतों का रेट है सापला का। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कृषि बराणी जमीन का रेट 25 लाख रुपए नॉर्मल था, जिसे 27,50,000 रुपए किया गया। सापला में 19 के रेट के अनुसार 25 लाख रुपए एकड़ गैर मुमकिन को बढ़ा करके 28,75,000 रुपए किया गया, जिसमें पहले रेट में बराणी में 10% की बढ़ोतरी, गैर मुमकिन जमीन में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली। सापला में नॉर्मल निवासी रेट 5000 वर्ग गज को बढ़ा करके 5500 वर्ग गज किया गया। वहीं व्यावसायिक रेट 6000 वर्ग गज को बढ़ा करके 6600 वर्ग गज किया गया। हसनगढ़ पहुंच मार्ग पर लगती जमीन का कृषि नहरी जमीन का रेट 35 लाख रुपए एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 38,50,000 रुपए किया गया। कृषि नहरी जमीन के बात करें तो यहां पर कृषि बराणी और कृषि बराणी जमीन का रेट 35 लाख रुपए ही था, जिसे बढ़ा करके 38,50,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया 10% की नॉर्मल बढ़ोतरी के साथ। राष्ट्रीय राज्य मार्ग के साथ लगती जमीन की बात करें तो यहां पर कलेक्टर रेट हसनगढ़ के अंदर 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 1,10,00,000 रुपए किया गया 10% बढ़ोतरी के साथ। वहीं नहरी और बराणी जमीन का रेट भी 1 करोड़ प्रति एकड़ था, जिसे बढ़ा करके 1,10,00,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया। हसनगढ़ गांव में कृषि नहरी बराणी और गैर मुमकिन जमीन का रेट 22 लाख रुपये नॉर्मल था, जिसे बढ़ा करके 24,20,000 रुपये किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। निवासी क्षेत्र में 4000 वर्ग गज के रेट को बढ़ा करके 4400 वर्ग गज किया गया 10% की बढ़ोतरी के साथ। हमने इस वीडियो के माध्यम से हसनगढ़ सापला क्षेत्र के अधीन आने वाले गांव की पूरी सूचना देने का कार्य किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। जल्द ही सापला शहरी क्षेत्र के कलेक्टर रेट भी हम दिखाने का और बताने का कार्य करने वाले हैं।